चीन पर भारत की कूटनीति विजय। अरुणाचल प्रदेश एलएसी पर अपहरण करेला पांच भारतीय नागरिकों ने चीने पाछा आप्या। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल मामले नार्कोटिक्स विभाग सपाटो। मुंबई और गोवा में अनेक स्थले दरोड़ा, निशाना पर 25 बॉलीवुड हस्तियों। कंगना रणौत पर उद्धव सरकार प्रहार यथावत, कंगना पर ड्रग्स लेवा आरोप। कंगनाए कहू पुरावा आपो मुंबई छोड़ी दईश। चूंटणी पंच ने सुधारेली मार्गदर्शिका जाहिर, उम्मीदवार ने पक्षे त्रण वक्त जाहिर करनी पड़े अपराधों की विगत। जाहिर मध्यमों में थे प्रकाशन और प्रसारण। शार्ली एब्दोए फरी एक वक्त पैगंबर मोहम्मद नु कार्टून छाप्यू, अलकायदाए आपी 2015 जेवा आतंकी हुमला की धमकी। पीएनबी वेस्पर की कोरोना वैक्सीन ने बीजा तबक्का ट्रायल्स में ड्रग कंट्रोलर की लीली झंडी, छ बिल्कुल नवा केमिकल की पीएनबी वेस्परे बनाई है वैक्सीन। नमस्कार दर्शक मित्रों, मंतव्य लाइव जोई रहा छो आप, आपनी साथे हूं छू दीपा शर्मा। शुरुआत करिए, अरुणाचल प्रदेश ना उपरी सुवानसिरी थी चीनी सैनिकों द्वारा अपहरण करायेला पांच भारतीय नागरिक वतन परत फर्या छे। चीनी सैनिकों वाचा बॉर्डर पर वाचा बॉर्डर नजीक आ तमाम पांचे नागरिकों ने भारत ने सौंप्या छे। कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुसार पांचे युवक 14 दिवस सुधी क्वारंटाइन रहेशे। महत्वनुं छे कि युवक पर सुवानसिरी जिल्ला में 4 सप्टेम्बर रोज भूल थी एलएसी पर चाल्या गया हता, जमा तोच सिंकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू इबिया, तनु बाकर अने नगारू डीरी नामना युवानो हता। अने हवे आ तमाम नागरिकों वतन परत फरता हर्षनो माहौल छे। उल्लेखनीय छे कि आ वर्ष में आ बीजी एवी घटना छे ज्यारे रणनीतिक प्रयासों थी चीनना कब्जामांथी अरुणाचलना युवकों ने छोड़वामां भारत ने कामयाबी मळी छे। तो एक तरफ भारत और चीन वच्चे तनाव वधी रह्यो छे, बीजी तरफ मैराथन बैठकों जोवा मळी रही छे। कमांडर स्तरनी बैठकों पण योजवामां आवी अने ते वच्चे जे आ युवानो परत फर्या छे, भारत तेने सफळता कही शकीए भारतनी कूटनीतिनी। उपरी सुवानसिरीथी चीनी सैनिकों द्वारा तेमनुं अपहरण करवामां आव्युं हतुं, जो कि प्रोटोकॉल अनुसार पांचे युवक 14 दिवस सुधी क्वारंटाइन रहेशे, तेओ परत आवी गया छे। तो आखरे चीने पांच भारतीय नागरिकों ने परत सौंप्या छे। भूलथी तेमणे एलएसी क्रॉस करीने चीनी सरहद पर पहुंची गया हता। आगळ वात सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रगनु कनेक्शन होवानी जाण थता ज नार्कोटिक्स विभाग सक्रिय बन्यो। ड्रग कनेक्शन में एनसीबी ना सकंजा में आवेला ड्रग डीलर अनुज केशवानी आपेली माहितीना आधारे एनसीबीए मुंबई और गोवा में अनेक स्थले दरोड़ा पड़ा है। जेल में मोकलायेली और जेनी जामीन अरजी कोर्टे नकारी काढ़ी है, रिया चक्रवर्तीए वटाणा वेरी नाख्या है। ड्रग लेनारा कलाकारों नाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आपी दीधा है। एवा कलाकारों में सैफ अली खान और अमृता सिंह की पुत्री अभिनेत्री सारा अली खान नाम पण बहार आव्यु छे। महत्वनुं छे के एनसीबीए पकड़ेला बे ड्रग कैरियर्स जैद विलात्रा अने अब्दुल बासित परिहार सामे एनसीबीए लालांक करता आ बन्ने जणे एनसीबी ने घणी चौंकावनारी माहिती आपी छे। ए माहितीना जोरे ज एनसीबीए आजे सवारे मुंबई गोवामां केटलाक स्थळोए दरोड़ा पाड्या हता। रियाना ड्रग कनेक्शन में ड्रग डीलर अनुज केशवानी की धरपकड़ थई छे। अनुजे पण एनसीबी ने घणी माहिती आपी छे, जो कि अनुज ने कैजान इब्राहिमे आपेली बातमीना जोरे पकड़वामां आव्यो। त्यारे हवे नार्कोटिक्स विभागे मुंबई अने गोवामां पड़ेला दरोड़ामां अनेक राज खुले तेवी प्रबळ शक्यताओ व्यक्त करी छे। मुंबई ने पीओके साथे सरखावनारी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राणावत की मुश्किलों वधती जोवा मळी रही छे। पोलीस हवे तेनी ड्रग्स साथेनी लिंक ने लईने तपास शुरू करवा जई रही छे।
पहला शिवसेना बाद में बीएमसी और उद्धव ठाकरे सामे पड़ेली कंगना की ड्रग्स लिंक की तपास करवा माटे महाराष्ट्र सरकारे पुलिस ने कहू होवाना अहेवालो छे। जो कि आ मामले पुलिस हजू सुधी कोई टीम रची छे के केम तेनी जानकारी सामे नथी आवी शकी। आ पहला कंगना साथे संकळायेलो अध्ययन सुमन नो एक जूनो इंटरव्यू सामे आव्यो छे, जेना आधारे महाराष्ट्र गृहप्रधान अमित देशमुखे तपास की बात करी हती। आ इंटरव्यू में कंगना पर ड्रग्स लेवानो आरोप लाग्यो हतो। देशमुखे कह्युं हतुं कि धारासभ्य सुनील प्रभु अने प्रताप सरनाईके सौथी पहला तपास की मांगणी करी हती। जरा जवाब में मे विधानसभा में कह्युं हतुं कि कंगना ड्रग्स ले छे अने अध्ययन सुमने आ वात करी हती। साथे ज सुमन ने पण ड्रग्स लेवा माटे मजबूर करी हती कर्यो हतो तेवो पण कंगना पर आरोप छे। मुंबई पोलीस हवे आ समग्र मामला की तपास करशे। बीजी तरफ ड्रग्स आरोपों सामे कंगनाए ट्वीट करीने कह्युं कि मारो ड्रग्स टेस्ट करो, मारा कॉल रेकॉर्ड नी पण तपास करो, जो तमने कोईपण पुरावा मळे तो हूँ मारी भूल स्वीकारवा तैयार छू अने हमेशा ने माटे मुंबई छोड़वा पण तैयार छू। चूंटणी पंचे राजकीय पक्षों अने नेताओं माटे सुधारेली मार्गदर्शिका जाहेर करी छे। हवेथी उम्मेदवारी करनारा नेता अने पक्षे उम्मेदवारना अपराधोनी विगतो त्रण वार जाहेर खबर द्वारा जणावानी रहेशे। त्रणेय वार अखबारों अने टेलिविजन पर आ विगत जाहेर करवानी रहेशे। उम्मेदवारी पत्रक पाछू खेंचवानी छेल्ली तारीखना चार दिवसनी अंदर पहली वार आवी जाहेर खबर आपवानी रहेशे। उम्मेदवारी पत्रक पाछू खेंचवानी छेल्ली तारीखना 5-8 दिवस में आवी जाहेर खबर आपवानी रहेशे अने त्रीजी वार चूंटणी प्रचार पूरो थवाना 9 दिवस पहला अने चूंटणी प्रचार पूरो थाय ए पहला आवी जाहेर खबर प्रगट करवानी रहेशे। चूंटणी पंचे कह्युं हतुं कि जे बैठक पर उम्मेदवार बिनहरीफ जीती जाए त्यां पण क्रिमिनल बेकग्राउंडनी विगतो प्रगट करवानी रहेशे। चूंटणी पंच माने छे कि आ पगलाथी मतदारों उम्मेदवारों अने राजकीय पक्षों में एक प्रकारनी जागृति आवशे। मतदारों ने उम्मेदवारनी असलियतनी जाण थता पसंदगीना विकल्पो वधशे। आ फेरफार तत्काल अमल में आवे ए रीते लागू पड़ाया हता। चूंटणी पंचना प्रवक्ताए कह्युं कि लोकशाही ने वधु असरकारक बनावा माटे मतदारों ने जागृत करवा माटेना नियमों ने कड़क करवामां आवे ए जरूरी जणातुं हतुं। चूंटणी पंचे जाहेर करेली मार्गदर्शिका तत्काल अमल में आवे एवी जाहेरात पण पंचे करी हती। ए तो जग जाहेर छे के छेल्ला थोड़ा दिवसों थी थोड़ा वर्षो थी विधानसभाओं अने संसद में 30% थी वधु नेताओं डझनबंध अपराधों में संडोवाया होय एवा पोलिस रेकॉर्ड धरावता हता। दरेक पक्ष में आवा अपराधिक इतिहास धरावता थोड़ाक नेताओं जोवा मळ्या हता। तो चूंटणी पंचनो आ निर्णय खूब ज महत्वपूर्ण मानवामां आवी रह्यो छे। हवे मतदारों जाणी शकशे के जे उम्मेदवार ने तेओ मत आपी रह्या छे तेमनी विरुद्ध आखरे केटला गुनाओ दाखल छे अने साथे ज पोताना नेतानी पसंदगी करवामां पण तेमने घणा एवा विकल्पो मळी रहेशे। कारण के जो एक उम्मेदवार पर आ प्रकारे गुनाओ वधारे प्रमाणमां दाखल होय तो अन्य जे उम्मेदवार हशे तेना रेकॉर्ड चेक करीने ते पोताना मतनो उपयोग करी शके छे। एटले के आ जे मामलो छे आ जे मुद्दो छे तेने लईने वधारे जागृति लावा माटे ज आ प्रयास करवामां आवी रह्या छे। उत्तराखंडना चारधामोमांथी एक बद्रीनाथ धामने पण केदारनाथनी जेम ज विकसित करवानो मास्टर प्लान राज्य सरकारे तैयार कर्यो छे। आ मास्टर प्लान 481 करोड़ो छे, 2025 सुधी में पूर्ण करने योजना है। सरकार बद्रीनाथ विस्तार ने मिनी स्मार्ट सीटी तरीके विकसावा योजना धरावे। आ प्रोजेक्ट सफल थे तो देश अन्य मंदिरों ने आज रीते विकसित कर बद्रीनाथ ने टूरिस्ट प्लेस की जगह आध्यात्मिक केन्द्र तरीके विकसित कर मास्टर प्लान अनुसार 85 हेक्टर विस्तार में बद्रीनाथ धाम ने विकसित कर आ विस्तार में एक म्यूजियम आर्ट गैलरी पण बनावामां आवशे। अहीं आवनारा भक्तो वीडियो द्वारा पण भगवान विष्णुना 10 अवतारनी कथा सांभळी शकशे। कनेक्टिविटी अने पार्किंगनी पण सारी व्यवस्था हशे।
તાજેતરમાં પીએમ મોદીએ પણ આ યોજના અંગે રાજ્ય સરકાર સાથે વાત કરી છે. ઉત્તરાખંડ સરકારના માસ્ટર પ્લાન પર કેન્દ્રની મોદી સરકાર પણ વિશેષ ધ્યાન આપી રહી છે. ઋષિકેશ કર્ણપ્રયાગ રેલવે પરિયોજના અને સાથે જ અન્ય પણ વિકાસના કામ કરવામાં આવશે. શંકરાચાર્યજીના સમાધિ સ્થળ સરસ્વતી ઘાટ આ તમામને વિકસિત કરાશે. બ્રહ્મકમલની નર્સરી પણ બનાવવામાં આવી રહી છે. 2025 સુધીમાં આધુનિક સુવિધાઓથી બદ્રીનાથ સજ્જ હશે. 85 હેક્ટરમાં મ્યુઝિયમ, આર્ટ ગેલેરી, દેવદર્શન સ્થળ પણ બનશે. તમામ પૌરાણિક અને આધ્યાત્મિક જગ્યાઓને બદ્રીનાથ સાથે જોડવામાં આવશે. એટલે કે બદ્રીનાથ ધામને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને બની શકે કે 2025 સુધી એક નવો જ અંદાજ બદ્રીનાથ ધામનો જોવા મળશે યાત્રાળુઓને. પાર્કિંગની સુવિધા પણ બનાવવામાં આવશે, પુલ પણ બનાવવામાં આવશે. બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે. આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. વેલકમ બેક. અલકાયદાએ ફ્રાન્સના અખબાર શાર્લી એબ્દોને વધુ એક વખત 2015 જેવો હુમલો કરવાની ધમકી આપી છે. અલકાયદાએ આ વખતે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સામે પણ નિશાન સાધ્યું છે. તાજેતરમાં શાર્લી એબ્દો પર થયેલા હુમલાની સુનાવણી શરૂ થઈ ત્યારે અખબારે ફરી એક વખત પૈગંબર મોહમ્મદનું એ જ કાર્ટૂન છાપ્યું હતું જેનાથી ગુસ્સે થઈ પહેલા અલકાયદાએ હુમલો કર્યો હતો. અલકાયદાએ તેના પ્રકાશન વન ઉમામાં ધમકી આપતા જણાવ્યું છે કે જો શાર્લી એબ્દોને લાગે છે કે 2015ના હુમલા બાદ અમે ચૂપ રહીશું તો તે તેની ભૂલ છે. અલકાયદાએ અમેરિકામાં થયેલા 9/11ના હુમલાની વરસી પર આ આવૃત્તિ પ્રકટ કરી હતી જેમાં ધમકી આપવામાં આવી કે તે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને પણ એ જ સંદેશ આપશે જે ફ્રાન્કોઇસ ઓલાન્દેને આપ્યો હતો. અલકાયદાએ આક્ષેપ કર્યો કે મેક્રોએ ફરી આ કાર્ટૂન છાપવા માટે મંજૂરી આપી હતી. બીજી તરફ અખબારના ડાયરેક્ટર લોરેન્ટ સુરુસુએ કોર્ટમાં જણાવ્યું કે કાર્ટૂનને ફરી વખત છાપવાનો તેમને કોઈ જ પસ્તાવો નથી. લોરેન્ટ પણ 2015ના હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. લોરેન્ટે જણાવ્યું કે આ વખતે કાર્ટૂન ન છાપવાનો અર્થ એ અર્થ થાત કે અગાઉ અમે તેને છાપીને ભૂલ કરી હતી. મેક્રોએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે તે એબ્દોના કાર્ટૂન છાપવા અંગે કોઈ ચુકાદો આપવાની સ્થિતિમાં નથી. તેમણે ફ્રાન્સના લોકોને પરસ્પર સન્માન આપવાની જરૂર હોવાનું જણાવ્યું અને નફરતની વાતો નહીં કરવા સલાહ આપી હતી. જોકે તેમણે કાર્ટૂનને બીજી વખત છાપવાની આલોચના કરવાનો ઇનકાર કર્યો. કોરોના વાયરસના વધી રહેલા હાહાકારને લીધે ભારતમાં સપ્ટેમ્બરમાં મહામારીએ માજા મૂકી દીધી છે. નિષ્ણાંતોના મતે આગામી સમયમાં કોરોના વધુ બેકાબુ બનવાની સંભાવના છે અને વિશ્વભરના લોકો કોરોના વેક્સિનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પીએનબી વેસ્પર દ્વારા વિકસાવવામાં આવી રહેલી વેક્સિનને બીજા તબક્કાના ટ્રાયલની મંજૂરી મળી ગઈ છે. કોચીની મેડિસિન એન્ડ રિસર્ચ કંપની પીએનબી વેસ્પરને બીજા તબક્કાના ટ્રાયલ્સ માટે ડ્રગ કંટ્રોલરની લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે. આ રસીની ખાસ વાત એ છે કે કોરોનાની સારવાર માટે સંપૂર્ણ રીતે નવા કેમિકલથી તૈયાર થયેલી વિશ્વની આ સૌ પ્રથમ વેક્સિન છે. આ વેક્સિનને પરીક્ષણ માટે પણ મંજૂરી મળી ગઈ છે. 15 વર્ષ જૂની આ કંપનીએ 6 નવા પ્રકારના કેમિકલ તૈયાર કર્યા છે જેમાં સૌથી છેલ્લા કેમિકલનું નામ PNB001 છે. સંશોધનથી જાણવા મળ્યું છે કે PNB001 એસ્પ્રિનથી 20 ગણું વધારે પ્રભાવી છે અને તેની કોઈ આડઅસર પણ થતી નથી. આ કેમિકલનો ઉપયોગ કોરોનાની સારવાર માટે કરાઈ રહ્યો છે. આ કેમિકલને પહેલા ફેફસાના કેન્સરના ઉપચાર માટે વિકસાવાયું હતું. પીએનબી વિશ્વની પ્રથમ કંપની છે જે કોરોના વાયરસ સામે નવા પ્રકારના અણુઓ પર આધારિત દવા તૈયાર કરી રહી છે. કંપનીની રિસર્ચ ટીમમાં 6 અમેરિકન, 2 બ્રિટિશ, 1 જર્મન વૈજ્ઞાનિક છે.
पीएनबी 001 ने वर्ष 2036 सुधी अमेरिका यूरोप एशियन देशों में पेटेंट करावायो छे। प्रथम चरण परीक्षण में अमदावाद में 78 दर्दियों पर प्रयोग करायो हतो, जेमां जाणवा मळ्युं के पीएनबी 001 एस्प्रिन करता 20 गणुं वधु प्रभावी छे। एक ब्रेकिंग न्यूज सामे आवी रहा छे। कांग्रेस ना कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी विदेश जवा माटे रवाना थया छे। सारवार माटे तेओ विदेश रवाना थया छे। राहुल गांधी पण सोनिया गांधी साथे विदेश जवा माटे रवाना थया छे। गंभीर बीमारी नी विदेश में सोनिया गांधी सारवार लेशे। तो चौमासु सत्र में राहुल गांधी भाग नहीं लई शके, कारण के तेओ पोतानी माता सोनिया गांधी साथे विदेश जई रहा छे, विदेश जवा माटे रवाना थया छे, कारण के त्यां तेमनी माथानी सारवार करवामां आवशे अने ते दरमियान राहुल गांधी त्यां साथे ज रहेवा मांगे छे। चौमासा सत्र दरमियान राहुल गांधी पोते नहीं आवी शके भाग लेवा माटे संसद मां। तमारा संवाददाता अरविंद शुक्ला जोड़ाई गया छे। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है आपको? दीपा, आपको बताएं, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए फिर से एक बार विदेश के लिए रवाना हो चुकी हैं और सूत्रों के बताए मुताबिक ये जो है उनका एक रेगुलर रूटीन चेकअप होता है, लेकिन इस बार राहुल गांधी भी उनके साथ में गए। मतलब कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य को लेकर के एक जो चिंता बरताई जा रही थी फिर से कायम हुई है और सोनिया गांधी जो हेल्थ चेकअप के लिए राहुल गांधी उनके साथ में गए हुए हैं। तो राहुल गांधी अब सोमवार से जो मानसून का सत्र शुरू हो रहा है संसद का, उसमें वो भाग नहीं ले पाएंगे, मतलब कि वो कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जी दीपा जी, शुक्रिया अरविंद जुड़ने के लिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी साथे विदेश जवा माटे रवाना थया छे अने तेना कारणे ज तेओ आ वखते संसद में चौमासु सत्र दरमियान भाग नहीं लई शके, जे आक्रमकता थी तेओ दर वखते मोदी सरकार पर प्रहार करी रह्या छे। तो क्यांक चौमासु सत्र दरमियान ए आक्रमकता आपणने जोवा नहीं मळे। कोरोना काल वच्चे सतत प्रहार करी रहा छे राहुल गांधी मोदी सरकार पर। पोप फ्रांसिस ना एक विचित्र दावाए चारेकोर चर्चा जगावी छे। पोप फ्रांसिसे विचित्र दाव करता कहू छे कि सेक्स अने भोजन एवो दिव्यानंद छे जे सीधो ईश्वर सुधी पहोंचे छे। कैथोलिक चर्चना प्रगतिशील धर्मगुरुओमांथी एक पोप फ्रांसिसे आ वात लेखक कार्लो पेट्रिनीनीना पुस्तक टेरा फ्यूचरमां एक इंटरव्यू माटे कही हती। पोप फ्रांसिसे भोजन अने सेक्स पर चर्चना भूतकाळमां अपायेला विचारोनी निंदा करता कहू छे कि सेक्स प्रत्येना जूना विचारोए खूब ज नुकसान पहोंचाड्युं छे। पोप फ्रांसिसે કહ્યું છે કે ખાવાનો આનંદ તમને આરોગ્યપ્રદ રાખવા માટે સારો છે, તે જ પ્રકારે શારીરિક સંબંધ પ્રેમને વધુ સુંદર બનાવવા અને સ્પીશીઝને સારી જારી રાખવાની ગેરંટી આપે છે। પોપ ફ્રાન્સિસે વધુમાં કહ્યું છે કે તેણે વિરોધી વિચારોને ખૂબ જ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, જેણે આજે પણ કેટલીક બાબતોમાં અનુભવી શકાય છે। પોપ ફ્રાન્સિસે કહ્યું છે કે ભોજનનો આનંદ અને યૌન સુખ ઈશ્વર સાથે મેળાપ કરાવે છે। પોપ ફ્રાન્સિસનો સેક્સ પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ ધીરે ધીરે વિકસિત થયો છે। વર્ષ 2016માં પોપ ફ્રાન્સિસે સેક્સના આનંદનો સ્વીકાર કર્યો અને કહ્યું કે વિવાહિત યુગલોએ પોતાના લગ્ન દરમિયાન તે આનંદને જાળવી રાખવાની જરૂર છે। તો હવે એક વિવાદિત નિવેદન પોપ ફ્રાન્સિસ તરફથી આવ્યો છે અને તેને લઈને ચારેકોર ચર્ચા જોવા મળી રહી છે। પોપ ફ્રાન્સિસનો આ વિચિત્ર દાવો જે અત્યારે દુનિયાભરમાં આલોચનાનો વિષય પણ બન્યો છે। પોપ ફ્રાન્સિસના એક વિચિત્ર દાવાએ ચારેકોર ચર્ચા જગાવી છે। આ વિચિત્ર દાવો કરતા પોપ ફ્રાન્સિસે કહ્યું છે કે ભોજન અને સેક્સ એવો દિવ્યાનંદ છે જે સીધો ઈશ્વર સાથે મેળાપ કરાવે છે। કેથલિક ચર્ચના પ્રગતિશીલ ધર્મગુરુઓમાંથી એક પોપ ફ્રાન્સિસે આ વાત લેખક કાર્લો પેટ્રિનીનીના પુસ્તક ટેરા ફ્યુચરા માટે આપેલા એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહી છે। પોપ ફ્રાન્સિસે ભોજન અને સેક્સ પર ચર્ચાના ભૂતકાળમાં અપાયેલા વિચારોની નિંદા કરતા કહ્યું છે કે
जूना विचारों खूब ज नुकसान पहुंचाड्यू छे। तो आरोग्यप्रद राखवा माटे सारो एवो खोराक जेम जरूरी छे तेज प्रकारे शारीरिक संबंध प्रेम ने वधु सुंदर बनावा अने स्पीशीज ने जारी राखवानी गेरंटी आपे छे। पोप फ्रांसिसे वधुमां कह्युं के तेणे विरोधी विचारों ने खूब ज नुकसान पहुंचाड्यू छे जेणे आजे पण केटलीक बाबतोमां अनुभवी शकाय छे। पोप फ्रांसिसे कह्युं छे के भोजननो आनंद अने यौन सुख ईश्वर साथे मेळाप करावे छे। इंडियन प्रीमियर लीग ना शुभारंभ ने हवे गणतरी ना दिवसों ज बाकी रहा छे अने तमाम टीमों पोतानी रीते सज्ज पण बनी गई छे। जो के आईपीएल नी 13मी सीजन केटला कारणोसर अलग पण पड़ी रही छे, शू छे ते खास कारण अने तेनु आईपीएल मैनेजमेंट केवी रीते लावी रही छे समाधान जोईशु। फटाफट लीग हवे थोड़ा दिवसों दूर, बायो सुरक्षित वातावरण में रमाशे लीग, चोग्गा छग्गा पर नहीं जोवा मळे चीयर लीडर्स नो डांस, परंतु आईपीएल शोधी काढ्युं समाधान। आ वखते आईपीएल यूएई में 19 सप्टेम्बर थी 10 नवेम्बर सुधी रमाशे। कोरोना वायरस ने कारण टूर्नामेंट प्रेक्षकों विना बायो सुरक्षित वातावरण में रमाशे। जो कि तमाम फ्रेंचाइजे खाली स्टेडियम में चीयर लीडर्स और चाहकों की हाजरी बतावा माटे संपूर्ण व्यवस्था करी छे। आईपीएल मैनेजमेंटे चीयर लीडर्स विना स्टेडियम में खिलाड़ियों आत्मविश्वास वधारती बाबत समाधान शोधी लीधु। खाली स्टेडियम में लगावाशे मोटी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर ज ठुमका लगावशे चीयर लीडर्स। आईपीएल अने फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट खाली स्टेडियम में स्क्रीनो लगावशे, जेने चाहकों की प्रतिक्रियाओं अने चीयर लीडर्स ना रेकॉर्ड करेला वीडियो साथे दर्शाववामां आवशे। एटले के टीवी प्रेक्षकों ने हवे चीयर लीडर्स दर 4 अने 6 पर नाचती जोवा मळशे। बायो सिक्योरिटी नुं खास ध्यान, आरोग्य अने बायो सिक्योरिटी ने ध्यान में राखता स्टेडियम संपूर्ण खाली रहेशे। आ कारणोसर केटलीक टीमोए चीयर लीडर्स ना वीडियो अगाउथी रेकॉर्ड करवानुं नक्की कर्युं छे। आ वीडियो 4, 6 अथवा विकेट पड़े त्यारे बतावामां आवशे। ज्यारे केटलीक टीमोए चाहकोना टूंका वीडियो बनाव्या छे जे तेमनी टीमनी बेटिंग दरमियान बतावामां आवशे। ब्यूरो रिपोर्ट, मंतव्य न्यूज। આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ, મને આપશો રજા, નમસ્કાર।